हाय, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4% देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है आंसर बी। कैसे देखो, टी इक्वल टू 2π लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी का रूट ओवर इक्वल टू 2π एल 4% बाय जी। 4 का रूट ओवर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 4 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वॉच डिपेंड किस पर, कहाँ पर डिपेंड करता है। देखिए जो वही फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2π एल बाई 0g का रूट ओवर। तो टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड किस पर करता है। तो देखो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है डिपेंड ऑन द मास, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। डिपेंड ऑन द लेंथ, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की, डिपेंड ऑन द टाइम, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन आंसर डी, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एलिमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए कौन सा दो एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका आंसर है सिलिकॉन और जर्मानियम। देखो दोनों का हमको मालूम है, ये बात याद रखो, अगर एलिमेंट कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर। जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। जिसका 4 से ज़्यादा होगा, उसे हम 4 मोर देन 4, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। और जिसका 4 से कम है, वो है कंडक्टर। तो देखो, सिलिकॉन और जर्मानियम में हमारा आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर है बी, सिलिकॉन एंड जर्मानियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लाइटेस्ट लिथियम होगा आंसर। इसका आंसर है बी, लिथियम। लिथियम जितना भी मेटल है, तो सबसे लाइट, हल्का, ये है लिथियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द वेराइटी ऑफ कोल व्हिच इज डिपोजिटेड कंटेंट्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑन द ओरिजिन ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल से जो हमारा कोल होता, देखो कोल का टाइप कितना होता है, 2-4 टाइप्स। यहाँ पर आंसर पे है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट है, याद रखो डी, पीट। आज के लिए